में पूरे बिहार के हर जिले में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। खाद दुकानदारों के पास है लेकिन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने रोहतास डीएओ के वेतन पर रोक लगा दी है। वहीं उर्वरक दुकानदार पर भी कार्रवाई की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी की लापरवाही सामने आने के बाद रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने वेतन पर रोक लगाई। और इस तरह की समस्या सिर्फ रोहतास में नहीं, ज्यादातर जिलों से सामने आ रही है, जहां दुकानदारों पर कार्रवाई हो रही है, इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जैसे परेशान है कि कुछ कुछ समस्याएं देखी जा रही है, उसको लेकर के जिला स्तरीय रिव्यू हुआ था तो उसमें देखा गया है कि खाद की समस्याएं हैं कहीं कहीं पे, तो राज्य स्तर से जो है एक्स्ट्रा रेक की मांग की गई है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के स्तर पे शिथिलता देखी गई है, तो उनकी जो है सैलरी रोकी गई है। फर्टिलाइजर दुकानों को सुकौज हुआ था, उसमें से कुछ दुकानों के लाइसेंस भी रद्द हुए हैं और बाकी के भी जैसे सुकौज प्राप्त हुए उसके हिसाब से उचित फैसला लिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि किसान हर जगह मुश्किलों का सामना कर रहा है, हर जगह वो आंदोलन को मजबूर है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। देखिए, पिछले दिनों जो खाद मंत्री जो कृषि मंत्री हैं कुमार सरबजीत से, उनसे बातचीत हम लोग ने की, उनसे सवाल किया कि जो खाद की कालाबाजारी का आरोप लग रहा है, कालाबाजारी हो रही है, तो उन्होंने ये कहा कि खाद की जो कालाबाजारी हो, कई हमने जो खाद जहां बिकता है उस पे हमने कई जगहों पर छापेमारी की गई, कई लोगों को पकड़ा गया। उनका बार बार एक तरीके से आरोप रहता है, केंद्र सरकार ने जब अक्टूबर में हमारी मांग थी कि लगभग हमें इतने मीट्रिक टन दिया जाए, खाद दिया जाए, उससे 60% हमें खाद मिला। अब हमें खाद नवंबर में जब हमारी मांग हुई तो उसमें भी उसमें कटौती कर गई। तो बार बार एक तरीके से केंद्र सरकार पर खाद को लेकर किल्लतें बार बार के आरोप लगता रहा कि केंद्र सरकार के द्वारा खाद नहीं मिल रहा है। लेकिन यही भी एक आरोप लगता है कि कालाबाजारी हो रही है, नेपाल चले जा रहे हैं जो खाद है उसकी, नेपाल में कालाबाजारी की जा रही है, वहां चले जा रहे हैं। तो इसको लेकर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष बार बार ये करे कि हमें मिलना ही नहीं, खाद मिल नहीं रहा, केंद्र सरकार नहीं दे रही, हम बातचीत करना चाहते हैं, बहुत सारी हमने चिट्ठियां लिखी लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। कृषि मंत्री कहते हैं कि हमें कोई जवाब नहीं मिलता, हम मिलने का समय मांग रहे थे लेकिन मिलने को भी समय नहीं मिला। पिछले दिन उनसे जब एक किताब की विमोचन या उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ये साफ तरीके कहा कि जो खाद की जो कालाबाजारी है उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं लेकिन खाद हमें केंद्र सरकार से उस तरीके से नहीं मिल रही है जितना मिलना चाहिए, क्योंकि अभी फसल लगाने और बोने के समय है और अभी किसानों का समस्या बहुत बड़ी है। सासाराम की जो घटना आप बता रहे हो वो भी बड़ी घटना है और इस पर जिस तरीके से अधिकारी को एक किया गया, समन किया, जो भी किया गया, तो सरकार भले अपनी बात रोना रो रही है लेकिन किसानों की समस्या अपने बहुत बड़ी है, क्योंकि किसान को सबसे बड़ा परेशानी है इस समय कि जब बोनी और रोपनी और पानी जो समस्या बोनी की होती है वहां खाद जरूरत होती है और खाद मिल नहीं पा रहा है और लंबी लंबी कतारें आपको हर एक जिला में देखने को मिल रही है। और वही कृषि मंत्री अपना रोना रो रहे हैं कि खाद हमें मिल नहीं पा रहा है तो हम खाद दें कैसे। और यही बात है कि जब हमने ये कहा कि आप पूर्ति कीजिए उस तरह सरकार जो आपके किसान हैं उनको, तो हम उसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमें मुहैया करा, हम सब किसानों को खाद देंगे। तो वाकई में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं लेकिन किसानों की जो समस्या है उसका समाधान निकाल नहीं पा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होता है आगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।